ना भरभूति जी, हमको ना आपका मदद का बहुत जरूरत है। भाभी जी, गुलाम आपके सामने हाजिर है, सर कलम कर दीजिए। वो कहा है ना कि हमको किसी को गोद में लेना है, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हम आप ही को गोद में ले लें। जी, आपने बड़ी अजीब सी फरमाइश की है। I'm little embarrassed, but भाभी जी, my morals are not allowing me to do that. हाय दिया, तो क्या बोल रहे हैं? हम वो गोद में लेने का बात ना ही कर रहे हैं। हम वो अब हमारा मतलब है कि हम किसी जवान लड़के को करप्ट करना चाहते हैं। भाभी जी, अडॉप्ट होता है। सही पकड़े हैं आपका, है ना कि पंडित रामफल ये उपाय बताए हैं कि हमको एक तो जवान लड़के को गोद लेकर उसका शादी करना है। ओहो, तो ये बात है। हाँ, ये बात है। अब पहले तो हम सोच रहे कि आप ही को गोद ले लें, लेकिन फिर हम सोचे कि आप तो शादी शुदा हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। आप क्या बोले? तो आप हमारा मदद करेंगे? भाभी जी, ठीक है, मैं आपके लिए एक बढ़िया समुष्टंडा, मतलब एक अच्छी नस्ल का लौंडा ढूंढ के लाता हूँ। ठीक बता अंकू। थैंकू, इसको बस डाल के और रख देते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। भाभी अंगूरी घर पे है का? हाय दिया, आ गए आप दारोगा जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। भाभी अंगूरी, आपने जैसे ही फोन लगाओ हम दौड़े चले आए। असल में कहा है कि हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। आम को पता है। अब बैठिए। आओ आओ। अरे राधा। तो फिर बताओ भाभी अंगूरी, का सेवा करी जाए आपकी? हमरा ई सेवा कीजिए कि हमको एक अच्छा सा लड़की दिखाइए। भाभी अंगूरी, जो कैसे हुआ, मजाक कर रही? आपके लाने लड़की दिखा दे, मतलब आपको लड़की देखनी, समझ ना आई बात? हाय दिया, हमको अपने बेटे की शादी के लिए एक तो अच्छी सुंदर लड़की सुशील चाहिए। अभी अंगूरी, आपको बेटा होगो, मतलब कब होगो बेटा? आपको बेटा भी है, हमें ससुर पता ना चली खबर। हमरा सगा बेटा ना ही है, हम और लड्डू के भैया को गोद लिए हैं। आप मजाक कर रही ना? ऐसो मतलब आपको क्या कहने को मतलब है कि आपने एक ठैया लड़का, एक लौंडा गोद लो है और सारो वो ऐसो गोद लो है तो गोद में आने के बाद सी तो शादी के लायक होगा। अरे दादा, तुम्हारी सारे टेक ना लगवाइयो तुम। नहीं नहीं, हमारा मतलब ऐसो कौन सो लड़का है जो मतलब सी तो शादी लायक ही ले लो का गोद। आहुई गवा आपका। आप हमरे लड़के के लिए एक तो अच्छा सा लड़की ढूंढ दीजिए। हाँ हाँ, भाभी अंगूरी है हमारी नजर में कछु अच्छे रिश्ता है हमारे पास, हम आपको बताते हैं। लेकिन हम का कह रहे कि अगर बाकी पहले हम आपको जो गोद लो भाव लड़का है बाकू मतलब एक नजर अगर देख ले तो रिश्ता ढूंढने में आसानी होगी, मतलब ऐसे मिल जाएंगी लड़कियाँ फिर। हाँ मिलवाते हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर सुशील हैंडपम्प लड़का है हमारा। हैंडपम्प नहीं, वो हैंडसम हुए शॉर्ट। सही पकड़े हैं। तो भाई को बुलाओ। Handsome, डैडी, मेरी शादी है ना, जल्दी करा दो। अब मौसे ना इंतजार न करो, जा तो करा देंगे बेटे, तो उतावला काय हो रहा है। बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू? अरे दारोगा अप्पू सिंह जी, आप अरे कैसन बा। आ दारोगा जी, आप मिलना चाह रहे थे ना हमरे बिटुआ, हमरे जिगर के टुकड़े से, ये मिलिए। हेलो अंकल। ऐसे ही पकड़े हैं। ये बारी छठिया गई का तुमने ससुर झा को गोद ले लो। चश्मो चिराग माय फुट। चिराग तो तू है लेकिन तिवारी खानदान का नहीं, तो कब्रिस्तान का बुझा हुआ चिराग है बे। डैडी, जे आप इतनी देर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो और आप बैठे बैठे देख रहे हो, सारा तमाशा देख रहे हो, आप उसको बोलते क्यों नहीं हो? डैडी
आप भूल रहे हो कि मैं जा खानदान को ओबेवारो वारिस हूँ। वारिस तो वारिस नहीं है बे, कोयले की बारिश है, कोयले की बारिश। छोड़िए ना, काय परेशान कर रहे हैं इसको, छोड़िए। यार बनवारी के लोग ने जवान है गई यार, मुझे भी पता। अबे टीका, ओए टीका, अबे यहाँ क्या कर रही है? चल गुल्लो के कोटे पे चल रहे हैं। गुल्लो? कौन गुल्लो? कहाँ रहती है वो? तुम लोगों को जाना है ना तो वहां पर जाओ। अब मैं तिवारी खानदान को शरीफ लौंडा हूँ, समझ गए? तुम जाके मरो वहां पर। सारे करवे ज्यादा सियाना बन रहे है, भूल गो कल तक हमारे साथ रहते तो तू सारे गंदे नाले के पास पैदा हुआ, बकवास कर रहे फालतू की। रहतो थो, अब ना रहता हूँ, अब मैं जा घर में रहता हूँ, समझ गो? घर में रहता हूँ? अबे बावला समझा हमने तुम्हें, जे घर तो मेरे कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी का है, तेरा कहाँ है? तो डैडी के मरबे के बाद में जे घर मेरे हो जाओगो? मसूर बना रहा है आपके मरने के बाद के। सुनो तुम लोग जाओ यहां से, और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने शराब छोड़ दी है, ड्रिंकिंग इज इंजीनियस टू हेल्थ, समझ गए? गो मलखान। हाँ, इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बलूटा तीरथ पे चला। सही कह रहे हो यार, सारे बंदर के हाथ हल्दी का लग गई, पंसारी समझ रहे हो अपने आप में। ठीक है, देखते हैं बेटा कितने दिन टिकता है तू मेरे कंजूस सेठ के। चिड़िया चिड़िया। तू क्या कह रहा था मेरी बेटी कि मेरे मरने के बाद किया? डैडी मैं तो मजाक कर रहा था, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक तो कह रहा था, आपके मरने के बाद सारी ज्यादा दिस की हो जाएगी, क्योंकि ये अकेला वारिस जो ठहरा। आई में का शक है, अटीकू हमरा बच्चा है, हमरा लावारिस है। मम्मी वो लावारिस ना होता है, वो वारिस होता है। सही पकड़े हैं। हाँ, हमरा बच्चा है, हमरे जाने के बाद सब कुछ इका ही तो है। ये विभूति अंकल है ना? काय को अंकल सारो, ये विभूति है ना, ज्यादा मुंह मत लगाओ बाको, एक नंबर को पगले अटस सारो। अबे भी कुछ ऐसा ही लगता है बेटे। बताओ मम्मी है ना, मेरे लिए अच्छे खासा अनार को जूस लेके आई थी, बात सारो ने मेरे से अनार को जूस छीन लो और बाको फेंक दो और मोको पीट दो सारे ने। अरे अरे नहीं, अरे अरे मेरे बेटे, अरे दिल छोटा ना कर मेरे बेटे। मैं मर जाऊंगा डैडी। देख देख बेटे, क्या है ना मेरे बेटे कि भभूति जी ने हमेशा तेरे हाथ में शराब का गिलास देखा है, अचानक अनार का गिलास देख कर ना वो थोड़े बदहवास से हो गए बेटे, समझा कर है? शाबाश, चल बाको, जैसे का मतलब है रो है, मैं शराब पीऊं, कोल्ड ड्रिंक पीऊं, जूस पीऊं, कचू भी पीऊं, बाको का मतलब इट्स माय लाइफ, इट्स माय लाइफ। हां बेटे बिल्कुल बिल्कुल, तेरी लाइफ है मेरे बच्चे। हैं क्या है ना मेरे बेटे कि भभूति जी को दूसरे को फटे में टांग अड़ाने की बहुत गंदी आदत है, और वो इसी गंदी आदत से ग्रस्त है, समझा बेटे? चिंता ना डैडी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हां बेटे बिल्कुल, बस बस, अरे अरे ना ना, अरे अबे कहाँ गया, कहाँ गया बे, अरे इधर आ बेटे, इधर आ, शाबाश, ना 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 ना, आ जाओ मेरे बच्चा रे, अरे ना ना, आप दाढ़ी चुभ रही है। आई लव यू डैडी, आई लव यू टू मेरे बेटे। आइडिया, यहाँ का चल रहा है, का बातें चल रहा है बाप बेटों में? हाँ मम्मी, ला 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 मम्मी, हमें ना वो है ना विभूति अंकल है ना, वहाँ के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ से ना आप बात मत किया करो, वो बड़ी पगलेट आदमी है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो टीका, अका है कि हमको भी आजकल लगता है कि उनका जो डेंटल बलून्स है ना वो कछु हिल गया है। ओ, मेंटल बैलेंस होता पगली। सही पकड़े हैं, बलून तो गुब्बारे होते हैं मम्मी। हाय दिया, आ देखो हमारा बिटुआ कितना होशियार है।
ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे 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 कौन तो बंटो? अरे अरे मेरा मतलब मनमोहन तिवारी साईं। आइए। माफ कीजिएगा, आप कौन? अरे बाबा, माई सेल्फ ललवानी, लल्लू ललवानी, हर सेल्फ लाली ललवानी हमारी बेटी है नी। ओ अब बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप है? नमस्ते। अरे बाबा भाई, हमारे यहाँ बुजुर्ग पैर नहीं छूते साईं। आपके पिताजी है? अतिया नहीं, हमारा बेटा है टीका, टीका तिवारी, जिसके रिश्ते का बात कर रहे हैं। ये आपका बेटा है साईं? लेकिन साईं, इसके और आपके रंग में जमीन आसमान का फर्क है साईं, ऐसा क्यों? दरअसल क्या है कि ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था। उस वक्त हम वहां धंधा मतलब बिजनेस किया करते थे, कच्चा बनियान का। हाँ दादी। हाँ पिता। मुझे लड़का बहुत पसंद है। देखो ना, लाल रंग इन पर कितना अच्छा लग रहा है। मरो मेरी अम्मा, शादी के बाद ना मैं इनका पूरा चेहरा लाल पेंट से रंग दूंगी। अरे मेरे चेहरा ही कहा, मेरे तो अंग अंग आप लाल पेंट से रंग दई हो। अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा नी। कहा है कि देखिए, अब वो लड़की को लड़का पसंद है, लड़का को लड़की, तो शादी का बाद आगे करते हैं। बिल्कुल सही बात है साईं। लेकिन उससे पहले हम लड़के से कुछ सवाल पूछेंगे साईं। हमारा पहला सवाल है, ये बताओ कि तुम करते क्या हो? मेरे अंडरगारमेंट को खोखो है। शॉप हैगी। अरे भाई वाह, हमारे सवालों का इतना खूबसूरती से जवाब दिया तुमने, हम और हमारा बेटी बहुत इंप्रेस हुए। हेलो भाभी जी। हेलो। आप यहाँ क्यों आए? एक्चुअली मैं माफी मांगने आया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और टीका से खास तौर से माफी मांगने आया हूँ। वेस टीका, टीका कहाँ है? हाँ हाँ, बुलाते हैं। अटीकू, हमरे लाल बादशाह जल्दी बाहर आओ। ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? ये आदमी जब भी यहाँ पर आता है ना, कछु न कछु गड़बड़ करता है। निकालो बाहर, इसको बाहर निकालो। गेट आउट फ्रॉम हियर। मम्मी डैडी, इसकी तो पिताजी। हाँ जी, सुनो अम्मा जी, गुलफाम गली जल्दी आओ।
बोलो तुम बहुत अच्छा नाचती हो है? शुक्रिया अजी, नाचना तो हमारा शौक है। अगर टीका कहाँ गया? टीका इधर क्या बे है? अगर तू चार ढूंढ के हमको भी सिखा दो है? इस बुढ़ापे में सीख कर आप किसको रिझाएंगी? आप पंडित राम फल कौन कहता है बुढ़ा गए हैं हैं? अम्मा जी तो एकदम जवान है अभी। डोली के अंदर झांक झांक के क्या देख रहा था? डैडी मुझे दुल्हन को देखने की इच्छा है रही है। बेटा थोड़ा सब्र रख, अभी कुछ रस्में बाकी बची हैं, वो पूरी होने दे, उसके बाद जो काम करना है सो कर लियो, ठीक है? ओके डैडी। अच्छा बलिहार, तूने बहुत ही पुण्य का काम किया है। तिवारी भैया आपने इतना सराहनीय काम किया है, मतलब एक लड़के को सड़क से उठा के दूल्हा बना दिया। और देखो आज कितनी धूमधाम से उसकी बारात लेकर जा रहे हैं, भाई वाह। वो भी उस लौंडे को जिसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। माँ साहब आप अपने संस्कारम की बत्ती बना के रहे ना, पीछे वाली जेब में घुसेड़ लो। तिवारी भैया हमें भी गोद ले लियो, हमारा भी कल्याण सा करवा दीजिए जरा। साले हमने आवारा गर्दों को गोद लेने का ठेका नहीं ले रखा बेटी। अच्छा सेठ जी आप मुझे गोद ले लो, मैं तो तुम्हारा वफादार नौकर हूँ। नौकरों को गोद लेने का ठेका तो कतई ना ले रखा। लाली आई एम कमिंग। लाली 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 की डोली खाली। डैडी क्या हो गया बे? डैडी 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 अंदर लाली ना है, डोली में दुल्हन ना है। डैडी अरे देखी ना जाइए ना, जाके देख बे। डैडी जी प्लीज अंदर जाके डोली में चेक करो ना, दुल्हन ना है, लाली ना है। आसान तो जाओ हमरे बेटा। कांगे कांगे ना, ये तो लाल कर गई। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे कांगा ये, अरे पता नहीं कहाँ चलेगी दुल्हन, अंदर तो है ही नहीं। अरे पर ऐसे कैसे दुल्हन गायब हो सकती है? मुझे तो लगता है उसे भूत ले गया होगा। अबे मुंह ढंग का ना है तो बात तो ढंग की कर लिया कर प्रेम चौधरी। तुझे पता ना इतनी मुश्किल समय दोस्त की शादी हो रही है और तू मनहूस बातें कर रही है। हे भगवान, मेरी दुल्हन लाली को कौन लेगा? रे लाली कहाँ गई? अमरी काली और लाली के मिलन को किसका नजर लग गया? हमरा मतबल हमरी बहुरिया कहाँ गायब हो गई? अम्मा जी कहाँ चली गई? टीका मेरे यार, लाली के जाने से दिल छोटा मत ना करे, मेरी नजरों में ना तीन बच्चों की अम्मा आ गई, वहां से करवा दूंगा तेरी शादी यार। अरे हप्पू सिंह ये तुमने कहां पचा दिया यार, कितना मनुष्य दुल्हा की दुल्हनी गायब हो गई नी। पिताजी मैं मनुष्य ना हूं। अरे सही, यहाँ मेरी बेटी गायब हो गई, आप कहनी की शांत बैठ जाए। तुम जो बताओ नाना बताओ, तुम्हारे चचियाने से आ जाएगी कब वापस? आ जाएगी तो सारे चचियाले मन ना भरे खड़े होके चचियाले गलो फाड़ के चचियाले। देखो बड़ी लाल उंगरिया नीचे, जो दिखाने दिखाओ उंगरिया नीचे। मेरा मतलब हप्पू सिंह आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारा वजह से हो रहा है। तुमने मेरी बेटी की शादी ऐसा घटिया खानदान में की। घटिया खानदान, घटिया खानदान। सही कह रही है। चलो क्या घटिया खानदान लगा रखा आपने? और आपकी बेटी गायब हुई है, इसमें हमारे घटिया हमारे खानदान का क्या लेना देना? अरे साईं
वो किडनैपर जरूर तुम्हारे खानदान का कोई दुश्मन होगा जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया। दे दे पूरा ज्ञान दे दे। तू लालवानी सबसे पहले तो अपने मुंह में नेपल डाल। बहुत देर से सुन रहे सारे तेरी बकर बकर। अरे जब कह रहे हैं कि तेरी बिटिया ढूंढ देंगे सतर, तो काय इतना ज्ञान दे रहा है? ना ना कुछ ना, हमें अपनो काम करने दे, रिपोर्ट लिखन दे, जहां तक चौधरी ना बन। लिखो लिखो। लिख रहे साई, वो किडनैपर जरूर तुम्हारे खानदान का कोई दुश्मन होगा जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया। दे दे पूरा ज्ञान दे दे। तू लालवानी सबसे पहले तो अपने मुंह में नेपल डाल। बहुत देर से सुन रहे सारे तेरी बकर बकर। अरे जब कह रहे हैं कि तेरी बिटिया ढूंढ देंगे सतर, तो काय इतना ज्ञान दे रहा है? ना ना कुछ ना, हमें अपनो काम करने दे, रिपोर्ट लिखन दे, जहां तक चौधरी ना बन। लिखो लिखो। लिख रहे तो भैया ऐशो है, सबसे पहले तो हमें लड़की को नाम बताओ जो खो गई गायब हो गई। अलाली पान वाली। पान वाली नहीं, लालवानी। सही पकड़ा है। रिपोर्ट लिखाने वाले को नाम? शी इज माई वाइफ, वो मेरी बीवी है थी, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा। रिपोर्ट लिखाने वाले को नाम टीका राम तिवारी। तो भैया तुम्हें जो बताओ, टीका राम तिवारी तुम्हें कहू पर शक है गो? दरोगा जी, मुको जा दोनों पर शक है। साले टीका, तेरा दिमाग फिर गया क्या? अपने दोस्तों पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है तू। सारे धीके लट, तूने हमें इतना गया गुजरो समझो है? सुनो यारो, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम दोनों, समझ गए ना? छोरियन के मामले में ना तुम लोगों को मैंने बहुत नीचे गिरते हुए देखो है। अच्छा साले, हमने कौन सी तेरी गर्लफ्रेंड पटाई है? सारे करवे जा, मामले में ना तू एक नंबर को कमीनो है, सबसे बड़ो वालो। मलखान बिल्कुल ठीक कह रही है, भुतनी के तूने ना जाने कितनी मेरी गर्लफ्रेंड छेड़ी सारे। अरे चुप रहो, अपने बदतमीजों का पिटारा हमारे घर में गोलने की जरूरत नहीं है। ओगो ले, ओगो खेस। अब ऐसो है, थाने ले जाकर बढ़िया से गोलचे आएंगे और बाकी बाद सवाल जवाब होंगे। अब आ रहे उतनी आ रहे। अरे अरे दादा, दरोगा जी हमने कुछ ना किया, मान। दरोगा जी बात समझो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लल्लू की मासा, आप? वाह विभूति भैया, क्या गाते हो! माँ कसम, न चाहते हुए हम यहाँ खींचे चले आए, बड़ा दर्द है आपकी आवाज में। माँ साहब, अब सिर्फ दर्द ही बचा है और कुछ भी नहीं। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भैया विभूति, आप तो जिंदा दिल इंसान हो। एक बात पता चली आपको? कौन सी बात? अंगूरी भाभी शादी कर रही है। किससे? अरे वही तिवारी भैया के साथ, और किसके साथ? एक बार तो कर चुकी हैं, और कितनी बार करेंगे? अब उनकी माया भैया वही जाने, उनकी अम्मा को पंडित रामफल ने कोई उपाय बताया होगा, वही कर रहे होंगे। अरे हरो, चुप,
अरे दरोगा जी, ऐसा हम क्या करें जिससे कि तुम विश्वास कर लो? हम क्या अपनी गर्दन काट के तुम्हारे सामने धर दे का? गर्दन को हम अचार रखेंगे, अचार रखेंगे, बोल बोल, अचार रखेंगे, बोल, अरे अचार रखेंगे, अचार रखेंगे, अचार रखेंगे, हमें सारे दुल्हन चाहिए। लेकिन तुम्हारे तो पहले से नौ नौ ठैया बच्चे हैं दरोगा जी। सारे हमें अपने लाने ना, हमें टीका की दुल्हन चाहिए जो तुम और अन्ने। की बीवी कौ के साथ भाग गई। देखो हमरा टीकू, हमरे जिगर का टुकड़ा तुम तान से ना ही लो, ना ही लो, तुमरा दुल्हन ना बहुत जल्द वापस आ जाएगा। हाँ नहीं मम्मी, मुझको लगता है कि अब मेरी दुल्हन है ना वापस ना आने वाली। आ जाएगी वे, तो उतावला काय हो रहा है बेटी? मम्मी डैडी 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 भैया बेटे आ जाएगी डैडी। एक काम करो, मेरी दूसरी शादी करवा दो। करवा देंगे बेटे, बिल्कुल करवा, करवाओ ना, करवाएंगे बेटे, लड़की देखेंगे फिर अच्छे से करवा देंगे। दरोगा जी सच्ची बोल रहे, हमने टीका की दुल्हन गायब नहीं करी है गई। हाँ नहीं, कमबख्त मारा सत्यानाश जाए टीका का, पता नहीं किस जमाने की हमसे दुश्मनी निकाल रही है भूतनी का। दरोगा जी वहां सारे करवे के लिए हमें कितनी खुशी आ रही थी कि हम तीन में कम से कम एक ही शादी भाई है रही। सारे खुश तो सारे तू हो गई, कैसे सारे तो मोरन की तो शादी भाई नहीं आ, तो सोची टीका की लुगाई पे हाथ साफ कर ले, दरोगा जी छी। कैसी बातें कर रहे दरोगा जी, हम ऐसी गंदी हरकतें ना करें, वो हमारा दोस्त होवे। तो तुम सारे हम समझ गए, सीधो सीधो ना बताओगे कहां गई दुल्हन है? अरे दरोगा जी किसकी कसम खाए, कसम खा के कह रही हूँ अपनी दादी नानी की, हमें ना पता टीका की दुल्हन कहां गई, कौन लेके गया। समझ गए, हमें सारे तुम्हारन पे थर्ड डिग्री करने पड़ेगी। ले आओ सारे हरो। हमको करवा रहा? अरे जा करके अपने लिए शादी का कपड़ा सिलवाओ। ये देखिए भाभी जी, ये देखिए, ये कलर आप पे बहुत अच्छा लगेगा, जमेगा। आ ठीक बा, लेकिन हमको ज्यादा पसंद आए हैं, कछु और दिखाओ। ये देखिए, ये तो आपको तुरंत पसंद आ जाएगा देखते ही, बहुत बेहतरीन डिजाइन है इसके ऊपर। ये देखिए फूल वाला एकदम है। अच्छा है, आपको कैसा लगा? इस रंग के तो तुम्हारे पास पहले से बहुत से लहंगे हैं पगली, ये ट्राई करो, ये हरा वाला इधर। दिया हम ना ही पहनते हरा वाला, हमको शूट ना ही करता है। शूट नहीं सूट होता पगली, सही पकड़े हैं, हम पर अच्छा ना ही लगता है हरा। तो फिर जो पहनना सो पहनना, पूछ क्या रही हो भाभी जी, चिंता क्यों करती, हम है ना, हमारे पास बहुत माल है, दिखाते एक बेहतरीन लहंगा। क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए एकदम लाल टमाटर, मार्केट में किसी के पास ऐसा लहंगा मिलेगा नहीं, देखते ही पसंद आ जाएगा आपको। देखिए आप क्या डिजाइन है, ये देखिए। हाँ ये हमको कछु जच रहा है ना लड़के भैया। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।